ये अनवरपुर पंचायत का अर्री है, अर्री इलाका है। यहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हैं, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो लोग मिले हमसे। मैंने सोचा बात करते हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है, जाना जरूरी है कि कौन सा तबका, कौन सा पक्ष किस मुद्दे पर वोट करना चाह रहा है। नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे हैं प्रकाशवाणी। कुछ लोग मौजूद है, ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं, सीधे उनसे पूछते हैं कि जो भी आरोप लग रहे हैं वर्तमान विधायक पे, जो लोजपा से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं राजकुमार शाह जी, उन पर विपक्ष ने तमाम आरोप लगाए हैं कि वो दिखते नहीं हैं, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया। इस पर 15 साल का भी खाका अगर देखा जाए तो उस पर भी लोगों को सोचना चाहिए ये वोट देने से पहले। फिलहाल लोग बताएंगे हमसे कि क्या माहौल है और लोग किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। तो सर पहले आप अपना नाम बताइए। राज नारायण रदक उर्फ राजा। सबसे पहला सर यहाँ पर आरोप है कि जो वर्तमान विधायक है उस पर लोग कहते हैं कि दिखवे नहीं करते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं दिखाई नहीं, काम तो उनका बहुत अच्छा है, दिखाई नहीं दिया लेकिन काम किए हैं विधानसभा के अंदर। तो नहीं दिखाई दिए मैटर करेगा, मुंह देख के वोट देना है? नहीं, मुंह देख के थोड़े काम पर वोट देना है। काम पर वोट देना है, काम हुआ है आप लोग? काम हो रहा है, काम हुआ है। हाँ आप बताइए भैया, नाम बताइए। तिलक कुमार। तिलक कुमार, आपके यहाँ काम हुआ है विधायक? हाँ हुआ है। हुआ है, तो आप भी काम देख के बोलिए कि मुंह देख के वोट दीजिए? काम देख के वोट देंगे ना, कि मुंह देख के वोट दे देंगे? काम देख के ना, काम देख के वोट देंगे। लोग कहता है कि नल थी हमारे क्षेत्र में। आप आइए सर जी आगे। लोग कहता है कि नल थी हमारे क्षेत्र में, ठीक है, प्रदेश उपाध्यक्ष है पार्टी के, तो आप उसको अगर कोई विपक्ष आके ये कह रहा है, चाहे आपके सामने कोई ये बात कहता है कि विधायक दिखे नहीं है, आप क्या कहेंगे? आप भी उस बात से सहमत है कि कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, जनता से तो शिकायत है कि विधायक जी दिखे नहीं, बहुत ज़रा विपक्षी पार्टी भी बोल रहे हैं कि दिखे नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। अभी इनका पूरा राजनीतिक चालू है, अच्छे माहौल से वातावरण चालू है, समझे, और कोई ऐसा बात नहीं है। विपक्षी पार्टी उठा रहे हैं सवाल, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। बताइए नाम बताइए, ये आप झंडा लगाए हैं कौन पार्टी का? लोजपा पार्टी का है, गमछा लोजपा पार्टी का, दलित समाचार है क्या? हाँ जी। अच्छा बताइए, विधायक न दिखे इस पर क्या कहिएगा? विधायक दिखे नहीं है ठीक है, लेकिन जो ये पूरे विधानसभा में जितना काम कर दिए हैं अभी तक 20-25 साल में भी कोई विधायक नहीं कर पाए हैं अभी तक, और जहां तक नहीं आने की इनको क्षेत्र में बात है तो इनको पार्टी के तरफ से बिहार का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया गया है और कोसी क्षेत्र का प्रभार भी दे दिया गया है। प्रभार काम बढ़ा दिया उसमें? हाँ, पार्टी ने काम बढ़ा दिया है, तो अब पार्टी को भी देखना है और क्षेत्र को भी देखना है, तो क्षेत्र में काम करवा है और इनके काम के ऊपर हम लोग इनको वोट कर रहे हैं। जो आरोप सीधे से लग रहा है काम हो रहा है, तो आप भी कह रहे हैं, बहुत लोग से हमें पूछा लोग का है काम हुआ है, ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि लोग चेहरा देखने की मांग कर रहे हैं, आपके हिसाब से चेहरा देखना जरूरी है कि काम होना जरूरी है? नहीं, क्षेत्र में काम होना जरूरी है, चेहरा कोई खास मायने नहीं रखता, क्षेत्र में काम होगा तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमारे गांव का विकास होगा। नहीं कभी नहीं देखे, और कहाँ के कैंडिडेट है अभी तक किसी को पता नहीं है, उससे कहा नहीं, सवाल पूछ रहा है लोग, चेहरा नहीं दिखा, क्योंकि अभी उनके सत्ता का सरकार है, इसलिए उनसे सवाल कौन करेगा? अभी पूरा दिल्ली से लेके यहाँ तक उनका सरकार है, तुमसे सवाल कौन करेगा? आप लोगों को दबाने का कुछ, आप लोग दब देगा? नहीं दबेगा कैसे, हम लोग जो खाए सब करेंगे, लोजपा का वोट है करेंगे। मूड क्या है वोट का, बताइए बताइए सर किसको? जैसे कि हम लोग लोजपा पार्टी का मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे कि हम लोग के गाँव में वो मतलब कि आए हैं, बहुत सारे काम किए हैं, और चेहरा तो नहीं दिखाए लोग का, चेहरा मतलब जैसे कि दिखाना जरूरी नहीं है, मायने यहाँ पे रखता है, जैसे कि काम हो गांव में, काम हो रहा है बुरा अच्छा से। हाँ ठीक, नाम बताइए। नाम मेरा मुन्ना कुमार हुआ। मुन्ना कुमार हुआ, कौन पार्टी से? लोजपा से है। कारण? कारण कि लोजपा अच्छी काम करती है। चेहरा पसंद, पसंद करते हैं? 100% पसंद करते हैं और करते रहेंगे। नेताजी दिखे नहीं है, क्या कहिएगा? दिखने से मतलब नहीं है, वो काम करते हैं, काम से मतलब हम लोग को। कुछ आदमी का शिकायत है जो एक बार भी जीते नहीं, वापस यहाँ गांव में घूमने नहीं आए। गांव अगर घूमने आएंगे तो काम कौन करेगा? वो न आकर भी वहाँ पे अपना जो भी काम है क्षेत्र का वो काम करते रहे हैं। और कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनके पास गया जो खाली हाथ वापस आया है? अगर कोई जाए अगर वापस आए तो हम कह सकते कि सर ने हमारा काम नहीं किया। उनके न रहने के बावजूद भी क्षेत्र में काम होते रहा है और काम हो रहा है, काम दिख रहा है। इससे पहले भी 15 साल सरकार रही है, चेहरा ना दिखाएगा वोट ना मिलेगा, ऐसा कुछ माने नहीं रखता है, माने रखता है काम, पार्टी ठीक है। बात मिला जुला के ये है कि जो आरोप है कि चेहरा नहीं दिखा है, विधायक जी दिखे नहीं है, तो दिखे तो आपको वो भी नहीं है जो पहले से लड़ रहे हैं यहाँ से दो और टिकट से। लालगंज का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, समीकरण काफ़ी अजीब है और अभी तक कयास लगाना मुश्किल है, लेकिन जो जमीनी स्थिति दिख रही है, लोजपा का झंडा काफ़ी बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है,
बाकी अब लोग तय करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आते हैं तो खैर जो भी है, लेकिन बात है चेहरा ना दिखाने की। तो लोग कह रहे हैं सीधे सीधे कि काम हुआ है, काम पे वोट दिया जाएगा, नेता का चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं करता, क्योंकि उसे विधानसभा भी देखना होता है, उसे पार्टी का पदभार भी देखना होता है। फिलहाल जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रकाशवाणी को, हम आपको बाकी क्षेत्र से भी अवगत कराते रहेंगे।